हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की नई वीडियो में। मैं आपको दोस्त अतुल शर्मा और आप देख रहे हैं अतुल शर्मा टेक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैं अपने डबिंग वीडियोस को कैसे एडिट करता हूं, कैसे उसे एक्सपोर्ट करता हूं, किस तरह डबिंग वीडियोस में वॉइस को ऐड करता हूं और कैसे मैं डबिंग वीडियोस बनाता हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं फिर आप शिकायत करते हैं कि भाई मुझे कॉपीराइट क्लेम पड़ गया, भाई मेरे डबिंग वीडियोस मोनेटाइज नहीं हो पा रही हैं, भाई मुझे रीयूज कंटेंट लिखा आ रहा है, तो भाई ये क्या कारण हो गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको मैं इस वीडियो में सब कुछ बारीकी से बताने वाला हूँ कि मैं अपनी डबिंग वीडियोस कैसे बनाता हूँ और उसे कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक से कैसे बचाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि डबिंग वीडियो बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको डबिंग वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए काइनमास्टर ऐप, काइनमास्टर ऐप या कोई भी ऐप ऐसी जिससे आप वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियोस को काइनमास्टर से एडिट करता हूं, इसलिए आपके पास काइनमास्टर ऐप होना जरूरी है। अब बात करते हैं सेकंड चीज की। तो फ्रेंड्स, सेकंड चीज होती है वीडियोस। आप वीडियोस कहां से डाउनलोड करेंगे? वीडियो आप यूट्यूब से ही डाउनलोड कर सकते हैं या आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियोस को यूट्यूब से डाउनलोड करता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियोस को कैसे डाउनलोड करता हूं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो को देख पाएंगे कि मैं अपनी वीडियोस को डाउनलोड कैसे करता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने एडिट करने के लिए कैनवास ऐप ले ली, उसके बाद अपने वीडियोस को डाउनलोड कर लिया। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपको क्या माइक की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, माइक लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना माइक के भी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन तीन चार चीज़ों से और चौथी बात, आपको एक शांत जगह ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी जगह जहाँ आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइस ना आए, क्योंकि अगर आप बोलेंगे और पीछे से आवाज़ें आएंगी तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तीन चार चीज़ें आपको डबिंग वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं कि डबिंग वीडियो कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपनी काइनमास्टर ऐप को ओपन कर लेना है, आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपको 16:9 को सिलेक्ट कर लेना है और फ्रेंड्स, आपके सामने पूरी आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपको उस वीडियो को लेना है जिस पर आप डबिंग करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने वीडियोज़ को डाउनलोड करके रखा है, अब मैं उसमें से एक वीडियो को चूज़ कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे मैंने इस वीडियो को चूज़ कर लिया है। अब आपको फ्रेंड्स उस पार्ट को कट कर देना जो पार्ट फालतू, जिसे आप चाहते कि इस पर आप डबिंग नहीं करना चाहते, उसे हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैंने यहां से डबिंग शुरू करनी है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हिस्सा है इसके बाएं तरफ का, यानी कि लेफ्ट साइड का, वो फालतू है। तो फ्रेंड्स, मैं फालतू वाला हिस्सा कट करने के लिए कैंची वाले ऑप्शन में क्लिक करूंगा और इसे बाएं से कट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये बाएं वाला हिस्सा कट चुका है, यानी कि लेफ्ट वाला हिस्सा कट चुका है। अब मैं इस पर डबिंग करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं डबिंग एक बार में मैक्सिमम 15 या 20 सेकंड ही लूंगा। अब एक बात का खास ध्यान रखिए, जब भी आप डबिंग वीडियो बनाएं तो मैक्सिमम 15 या 20 सेकंड का ही रखें, उसके बाद कोई फनी साउंड ऐड कर लें और किसी और वीडियो को उठाकर उस पर डबिंग करें, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्लेम पड़ जाएगा। क्लेम से बचाने के लिए वीडियो की मैक्सिमम लेंथ है 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड तक आप किसी भी वीडियो को यूज कर सकते हैं, पर आप सेफ खेलें, आप मैक्सिमम 15 या 20 सेकंड किसी वीडियो को यूज करें, उसके बाद कोई और वीडियो यूज करने के बाद फिर आप इसे यूज कर सकते हैं, पर फ्रेंड्स, मैक्सिमम 15 सेकंड या 20 सेकंड ही यूज करें। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं इसे 22 सेकंड तक कट कर देता हूँ। अब कट करने के लिए मैं इसे फिर लेयर पर क्लिक करूँगा और कैची वाले निशान पर जाकर इसे बीच से कट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अब देख पा रहे होंगे मैंने 22 सेकंड की वीडियो को कट कर लिया है। अब मैं यहाँ तक डबिंग करूँगा, उसके बाद जो आपको ये प्लस का निशान दिख रहा है इस पे मैं कोई फनी साउंड ऐड कर दूंगा, यानी कि जो आप देखते होंगे लोग फनी साउंड डालते हैं। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए यहाँ तक मैं इसे एडिट करूँगा, उसके बाद इसे मैं फनी क्लिप इसमें ऐड कर दूंगा। अब आपने इस वीडियो को ऐड कर लिया, अब आपने इस वीडियो को हटा देना है, फ्रंट से कट कर हटा देना है। अब आप देख पा रहे होंगे ये पूरी वीडियो हो चुकी है और उसके बाद ये फनी साउंड आ चुका है। अब आपको कोई और दूसरी वीडियो ले लेनी है जिस पे आप डबिंग करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप दो तीन वीडियोस को मिला के डबिंग करें, एक ही वीडियो पे डबिंग मत करें, इससे आपको कॉपीराइट खतरा बच जाएगा। वरना अगर आप एक ही वीडियो को लंबा खींच के उस पर डबिंग करेंगे तो आपको पक्का कॉपीराइट क्लेम पड़ जाएगा और स्ट्राइक भी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, आप सेफ खेलें, इसलिए मैं सेकंड वीडियो को भी मैक्सिमम 10 या 15 सेकंड के लिए ही यूज करूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए मैं इसका भी 10 सेकंड का क्लिप यूज कर लेता हूं। मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए दो वीडियोस को ले रहा हूं, आप चाहे इस पे 2, 3, 4, 5 कितनी भी वीडियोस को ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि मैक्सिमम 10-15 सेकंड या 20 सेकंड के वीडियो या 25 सेकंड तक यूज़ करें, मैक्सिमम 30 सेकंड से ऊपर मत जाने दें। अगर आप 30 सेकंड तक लेके जाएंगे तो आपको क्लेम पक्का पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इस पर डबिंग करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको इसका साउंड बंद कर लेना, जो फिल्म का साउंड है इसे बंद कर लेना है। इसे बंद करने के लिए आप साउंड वाले निशान पर जाकर इसे बंद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और तरीका, अगर आप इस लेयर पर क्लिक करते हैं और आप नीचे जाते रहते हैं तो आप यहां लिखा था एक्सट्रैक्ट ऑडियो, जो इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो इसकी फिल्म की ऑडियो बाहर आ जाएगी, ये ऑटोमेटिकली इसकी जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस साउंड को हम डिलीट कर देंगे। अब इस पर मैं आपको अपनी आवाज़ ऐड करके बताता हूं मैं कैसे इस पर डबिंग करता हूं। देखिए, जैसे कि मैंने यहां तक इतनी डबिंग की है, अब मैंने इस लड़की का पार्ट था इसलिए मुझे इस तरह बोलना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अब देखिए अगर मैं आपको आवाज़ सुनाऊंगा तो सुनिए कैसी आवाज़ सुनाई देती है।
अब मैं बाजार घूमने जाऊंगी, मुझे कोरोना नहीं है। बोलो लेके चलोगे तो तुम मुझे बाजार बताओ। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा ये मेरी नॉर्मल आवाज़ में है। अब इसे लड़की की आवाज़ बनाने के लिए आपको सिंपली साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक, जो मैंने आवाज़ बोली है उस पर क्लिक कर लेना है, और जो आपको माइक वाला ऑप्शन दिख रहा है ये साउंड वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसे बढ़ा के आपको 3 तक ले जाना है। इससे इसकी पिच वो पतली हो जाएगी और ये लड़की की आवाज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स अब सुनिए आप। अब मैं बाजार घूमने जाऊंगी, मुझे कोरोना नहीं है, बोलो लेके चलोगे तो तुम मुझे बाजार। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा अभी लड़की की आवाज़ में कन्वर्ट हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक थी लड़की की आवाज़। अब आपने मान लीजिए इस फिल्म का कुछ साउंड लेना है, यानी कि सस्पेंस क्रिएट करने के लिए आपको इस फिल्म का ही कुछ साउंड चाहिए, तो आप सिंपली इस लेयर पर क्लिक करेंगे, कैची वाले ऑप्शन पर जाएंगे, इसको बीच से कट कर देंगे और इसकी आवाज़ को फिर से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए जहाँ आके मेरी आवाज़ ख़त्म होती है उसके बाद फिल्म की साउंड आ जाएगी। देखिए ध्यान सुनिए। तो फ्रेंड्स देखा यहाँ से यहाँ तक मेरी आवाज थी, ध्यान से फिर सुनिए। यार आई लव यू जाने मन, चलो ना। तो फ्रेंड्स देखा जहाँ मेरी आवाज बंद होती है उसके बाद ये फिल्म का साउंड आ जाता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप डबिंग वीडियो बना ले सकते हैं और उस पर दोनों आवाजों को ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब उसके बाद आपको लगे कि अब हंसी डालने की जरूरत पड़ रही है तो उसके बाद कोई फनी साउंड डाल दीजिए, जैसे देखिए। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि मैंने पहले अपनी आवाज़ को ऐड किया, फिर मुझे कुछ फिल्म की आवाज़ की ज़रूरत पड़ी मैंने उसे ले लिया, और फिर मैंने फनी क्लिप को ऐड कर दिया। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप किसी भी वीडियोस को 3-4 वीडियोस को मिक्स करके उस पर डबिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको अपनी आवाज़ को ऐड करने के लिए इस वॉइस वाले सेक्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, आज जो वीडियो में रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। अब फ्रेंड्स अगर आपने इसमें कोई फनी बैकग्राउंड साउंड डालने हैं, अगर आपको पीछे से कोई थप्पड़ की आवाज़, कोई साउंड की, कोई बकरी की आवाज़, कोई कुत्ते की आवाज़ डालनी है, तो आपको सिंपली इस ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने जो साउंड्स डाउनलोड किए हुए हैं उसमें से आप कोई भी साउंड को ऐड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि साउंड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स साउंड आप सिंपली यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर लिख कर फनी साउंड इफेक्ट्स फॉर यूट्यूब वीडियोज़, तो वहाँ पर आपको ढेर सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊँ तो आपको मैं उस पर वीडियो बना के बता दूँगा कैसे उसे डाउनलोड किया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आओगी। अब वीडियो बनाने के बाद सिंपली आप इसे एक्सपोर्ट करके इसको कंप्लीट करने के बाद आप सिंपली जाके इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल पर मिलती है इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस। और फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि डबिंग वीडियोस को वायरल कैसे करते हैं तो उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर उसे चेकआउट करिए और सीखिए किस तरीके से डबिंग वीडियो को वायरल किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।